हेलो फ्रेंड्स, सखी क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं साधना सिंह आज को रवा और खोया का मावा का गुजिया किस तरीके से बनेगा वो आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमने सामग्री तैयार कर लिया है। ये किशमिश है, बादाम, काजू और ये चिरौंजी है, और ये नारियल है, बुरादा है, जो कि बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाएगा। और उसके लिए हमने यहाँ पे 700-800 ग्राम मावा लिया है, जो कि मुझे ढेर सारे गुजिया बनाना है। और ये करीब 700-800 ग्राम मैदा हमने लिया है अंदाज से ही, तो ये मैदा है। और इसमें हमने चीनी को पीस लिया है, ये बाज़ार में भी आपको पिसा हुआ चीनी उपलब्ध हो जाएगा। और आप इलायची भी इसमें डाल सकते हैं। और उसके लिए देखिए, हमने रवा ये भूज रहे हैं हम कढ़ाई में। हमने ये धीरे धीरे इसको भूजना शुरू किया है, जब तक से ये लाल ना हो जाए तब तक से इस रवा को हम भूजते रहेंगे। तो ये हमारे धीरे धीरे लाल हो रहा है। और उसको मोयन डालने के लिए इसमें मैदे में हमने ये देसी घी रखा है। और तलने के लिए आप कोई भी रिफाइंड वनस्पति आप ले सकते हैं। तो आइए, इस गुजिया को किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बनाना बताऊंगी। दोस्तों, पहले हम सूजी को पहले भूज लेंगे, इसके बाद सारी सामग्री एक साथ मिलाएंगे, वो तब तो मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये रवा, ये जो सूजी है, ये अब भूज के ये लाल हो गया है, तो इसको हम अब दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ये लगभग हमारी ये सूजी भूज के अब तैयार हो चुकी है, तो इसको दूसरे बर्तन में निकालेंगे। ये रवा इस तरह तरीके से अब हमारा भूज के रवा तैयार हो गया है, तो इसके दूसरे बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर इसमें क्या करेंगे, सूजी हमने लाल भूजा है, इसमें इस तरीके से ये हमारा ये सूजी भूज गया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कढ़ाई में मावा को भी हल्का सा इसमें भूज लेंगे। तेल डाल के भी आप भूज सकते हैं घी, या तो फिर ऐसे ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जितना आपको चाहे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो इसे हमें धीरे धीरे भून लेना है, तो मैं भून के आपको। हमने काजू बादाम को अच्छी तरह से इसमें फ्राइड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा देसी घी डाला है, उसमें हम नारियल के बुरादे को भी हल्का सा ब्राउन इसको भून लेंगे, ताकि इसमें कच्चापन और ये ना आए और ये ख़राब भी ना हो। तो इसे हम ब्राउन हल्का इसको भून लेंगे, ताकि इसके जो मॉइस्चर है वो इसमें सूख जाए। इसके बाद हम इसको भी, चिरौंजी को भी इसमें डाल देंगे, और किशमिश को हम इसी तरीके से इसमें मिलाएंगे। इसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये जो हमारे नारियल का बुरादा है वो तुरंत जल जाएगा। और दोस्तों, ये देखिए लाल हो रहा है, ब्राउन कलर का, इसमें कलर इसका चेंज हो रहा है। तो ये हमारा नारियल अब तैयार हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये नारियल का बुरादा जल जाएगा। इसको हमने पूरी अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिक्सर में हम क्रश कर देंगे, या तो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे। ये हमने काजू को और बादाम को क्रश कर लिया है, अब सारे नारियल में इसमें चले जाएंगे। इसमें आपको जितना सूजी ज़्यादा डालना है रवा, उतना आप डाल सकते हैं। मैं इसमें 150 ग्राम इसमें रवा डालूंगी, और इसके बाद सारे मावा को इसमें मिला दूंगी। इसमें हमें मिला देना है सभी को। मिलाने के बाद मैं आपको मिला के इसको दिखाती हूँ। अब सारी सामग्री को मैं दूसरे बर्तन में डालूंगी, क्योंकि ये बर्तन छोटा है कढ़ाई हमारा, तो दूसरे बर्तन में डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से, अभी गर्म है ये, और दोस्तों मैंने मावा को पहले ही भूज के रखा था, तो इसको हम पूरा मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर हम मैदे का डोट तैयार करेंगे, तो उसको भी मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। तो इसको हमें मिक्स कर लेना है इसमें।
ये हमारा मिक्स हो गया है। अब लास्ट में हमें जितना चीनी चाहिए स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिला सकते हैं। अगर आप मीठा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम खाते हो तो आप चीनी को कम डालें। तो इसमें हमने चीनी भी मिला दिया और फिर एक बार इसको क्या करेंगे, ये जो सभी सामग्री है हमारे, इसको हम मिला लेंगे एक साथ। और ये हमारे ये गुजिया का सामग्री तैयार हो गया है। अब हमें आटा गूंथना है तो मैं उसको आपको गूंथ के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आटे का डो तैयार किया जाता है। तो ये हमारा अब सामग्री गुजिए का जो खोया और सूजी का था सामग्री सब बन के तैयार हो गया है। अब हमें गुजिए के लिए मैदे का डो तैयार करना है, तो इसको हम बीच में कर लेंगे और इस तरीके से इसमें देसी घी का ही मोयन इसमें देंगे। तो ये लगभग 300 ग्राम है, इसमें से 200 ग्राम के करीब मैं इसमें घी इसको डाल दूँगी। ये हमने घी डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमें मिक्स करना है। इसको दोनों हाथों से ही हम मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल इस तरीके से जब ये मैदा हो जाएगा तो हमें इसे मिलाते रहना है। अब हम क्या करेंगे, मैदे को इस तरीके से दोनों हाथों से हम मिलाते जाएंगे जब तक कि हमारा ये मैदा इस तरीके से ये लड्डू ना बन जाए। इस तरीके से हमें इसको मिलाते जाना है। हमें इसमें कहीं गांठ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारा डो जो है थोड़ा ख़राब हो जाएगा और ये मुलायम नहीं बनेगा, उठ जाएगा। तो इसे हमें दोनों हाथों से बहुत प्यार से ही इसको मिलाना है। तो मैं इसको मिला के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमने घी को इसमें मिक्स कर लिया है, यानी कि मोयन हमने दे दिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें से अंदाज से ही पानी मिलाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। फिर इसको हम मिलाएंगे और एक मुलायम सा घोल इसका डो तैयार करेंगे ताकि हमारा गुजिया बहुत प्यारा और नरम मुलायम बन सके। पूरा आटा को हमें इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा मुलायम सा डो मैदे का तैयार हो गया है। अब इसको मिला के हम एक पोटली सा बना लेंगे, इसको गोल तैयार कर लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको ढक के। और इसके बाद हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक मुलायम डो तैयार कर लिया है मैदे का। और इसको हमने 20 मिनट रेस्ट के लिए रखा था, जो कि ये पहले से ही ज़्यादा फूल गया है और बिल्कुल मुलायम हो गया है। तो अब इसकी क्या करेंगे, हम छोटी छोटी इसके लिए पेड़े बनाएंगे, लोई बनाएंगे इस तरीके से गोल गोल, और गुजिया बनाना हम शुरू करेंगे। हमको इस तरीके से गोल गोल इसका पेड़ा बनाना है और गुजिया बनाना है। उसके लिए हम एक साँचा रखेंगे इस तरीके का, और ये पानी लेंगे हम चिपकाने के लिए, और ये जो हमने मटेरियल तैयार किया था वो हम इसको भी पास में अपना रखेंगे। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको बेला जाएगा। इस तरीके से हमें इसके रोटी तैयार करना है। बिल्कुल इसको एक बराबर ही हमें इसको बेलना है। हमने पेड़े बना लिए हैं मैदा के, और इस तरीके से हम इसको 4-5 बना के हम रखेंगे। हम इस तरीके का साँचा लेंगे जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और इस तरीके से इसको रखेंगे और थोड़े थोड़े से इसमें हम मावा को इसमें भर लेंगे ताकि ये टूटे ना। ज़्यादा भरेंगे तो ये फूटने लगेगा। और किनारे किनारे क्या करेंगे, हम इसमें पानी लगा देंगे। और इसको हम सीधा कर लेंगे, सटा देंगे इस एक में, और बाकी बचे हुए हम
मैदा इसका निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हमारा ये गुजिया बनता चला जाएगा। तो मैं और आगे बना के आपको दिखाती हूँ। एक बार मैं और बनाना बताऊँगी। ये देखिए, इसमें मावे को हमने भर दिया है, जो हमने मावा तैयार किया था। और क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे हम पानी लगाएंगे, चारों तरफ हम इसके किनारे किनारे पानी लगा लेंगे ताकि आसानी से ये चिपक जाए। बाकी बचे हुए हम मैदा इसमें से निकाल लेंगे। और इस तरीके से हमारा ये प्यारा सा गुजिया बनके तैयार हो गया है। तो मैं सभी गुजिया बना के आपको दिखाऊंगी। हमने ढेर सारी गुजिया इसमें बना लिया है। अब देखिए, इसको तलने के लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड इसमें ऑयल डाला है, और इसको गर्म होते ही हम इसमें वो सारे गुजिया को हम तल देंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। छोटे से रोटी का वो लोई डालेंगे इसमें, और गुजिए को हमें धीमी ही आंच पे तलना है। तो एक एक करके हमारा ये तेल अब गर्म हो गया है, क्योंकि जो हमने आटे का मैदा उसमें डाला था छोटी सी गोली, वो ऊपर चल के आ गई है। तो हम धीरे धीरे करके इसमें गुजिया डाल देंगे, और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलते जाएंगे। तो हमने एक एक करके सारी गुजिया को इसमें डाल दिया है। गुजिया हमारा अब देखिए तल रहा है। हम इसको धीरे धीरे इसको एक एक गुजिया को हम सीधा कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें इसको सेकना है। सारे गुजिया को हम इस तरीके से बहुत प्यार से हल्के हाथों से इसको पलट देंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलते रहेंगे। बिल्कुल ये देखिए सॉफ्ट इसका कलर चेंज हो रहा है। जो गुजिया हमने बनाया है उसका कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, ये हमारा बिल्कुल ये ब्राउन गोल्डन कलर में ये गुजिया बनके अब तैयार हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। सारे गुजिए के करके हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा प्यारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। अगर ये गुजिया और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, और इस गुजिया को ज़रूर बनाएं ताकि आप आसानी से बना सकें। और सभी दोस्तों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, सेफ्टी तरीके से होली खेलें। थैंक यू, धन्यवाद।